हो गया ना? हो गया, हो गया। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। एक और प्रत्याशी निकल के आ चुके हैं। हम बात करते हैं कि किस चीज़ का चुनाव लड़ने वाले हैं और इनका नाम क्या है, किस पंचायत से आए हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हैं। आपका नाम क्या है सर? नाम बजरंग बली सिंह। बजरंग बली सिंह, हाँ। क्या बात है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, चुनाव वार्ड में हो चुका है। हो चुका है। वार्ड का? वार्ड का। हाँ, पंचायत से? सिधवल पंचायत। सिधवल पंचायत से, वार्ड नंबर 12। चुनाव लड़ने का जो मुहिम चल रहा है, हर लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है चुनाव लड़ रहे हैं सही मायने में, अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं? हम ये समाज के लिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। हाँ। और कोई नहीं, विकास मुको विकास है। विकास हुआ ही नहीं, विकास नाम का कोई तो चीज़ नहीं है। हाँ। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। नल जल जला, उसका पानी नहीं गिर रहा है। अच्छा। पानी अभी तक नल जल का एक बूंद भी नहीं गिरा। जाके आप देख सकते हैं, पूरा गाँव में घूम कर हर घर घर से पूछ सकते हैं कि पानी मिला है कि नहीं। क्या लगता है आपको सर? सर जितना बोले वो सही बोले हैं, हम कुछ बोले नहीं, आप खुद जाके देख लीजिए। का जो काम बाकी है उसको पूरा करना है। क्या कहेंगे सर? हमारा कहना वही है कि हमारे गांव में जल नल योजना का अभी पानी हम लोग को किसी को नहीं मिल रहा है। पानी किसी को नहीं मिल रहा है, न चालू है। हमारा वार्ड जीतेगा उस नल को चालू करेगा, जल नल योजना। वार्ड में पता ही है पैसा ज्यादा आने वाला है, तो क्या रहता है वार्ड में सही महीने में आप काम करेंगे? 100% उसमें एक भी पैसा का हेरा फेरी नहीं होगा, काम 100% होगा। बिल्कुल, जो हमारे प्रतिनिधि जो हैं, हमारे भारत सिगल पंचायत का 12 नंबर वार्ड का जो प्रतिनिधि हम लोग चुने हुए हैं, पूरे हमारे सहदुलेपुर का जनता जो चुने हुआ है, जो हमारे गांव के अंदर में कोई विकास नहीं हुआ। आज अगर आप चल के देखते हैं तो एक भी जल नल कहीं खड़ा नहीं हुआ है। आज इसको बोला जाता है, जो वर्तमान जो हमारा जो प्रतिनिधि हैं जो वार्ड, वो बोलते हैं कि हाँ खड़ा हुआ है, कोई खड़ा नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि जनता एकदम अपना मूड बना ली है कि हाँ उस प्रतिनिधि को हटाकर और हम बजरंगी सिंह को रखेंगे, जो कि बजरंगी सिंह एक ऐसा इंसान है कि ये मिलिट्री मैन से रिटायर किए हुए हैं। मिलिट्री मैन से रिटायर किए हुए हैं और इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इनको यही सेवा किया सर, इनका यही स्वार्थ है कि हाँ हम गांव का विकास करेंगे। आज चल के देखिए गांव में इतने देंगे, क्या बोले सर? न खाएंगे न खाने देंगे। नीतीश कुमार का राज में बहुत बढ़िया काम था, जल नल हेन तेन सब उखाड़ के फेंक दिया। इससे बढ़िया ललुआ रहे नीतीशवा के सब चौपट कर दे रख लो। अब बजरंगी सिंह ऐसा आदमी है कि खड़ा होगा तो तरतराएगा, जैसे बॉर्डर पर तरतराता था वैसे हमारा वार्ड में तरतराएगा। अरे गांव का रोड बन गया है, पूरा एकदम पक्का हो गया है, लेकिन सहदुलेपुर पंचायत में, सहदुलेपुर गांव में रोड नहीं बना। आपने देखा कि एक भैया जैसा हो, आपने देखा कि बात किया में एक वार्ड प्रत्याशी हैं, लेकिन वार्ड के साथ इतनी अमार जनता जुड़ गई है और ये देश की सेवा किए हैं। मैं ऐसे प्रत्याशी का इंटरव्यू लूँ कि देश का सेवा किए हैं और अभी राज्य का सेवा करना चाहते हैं, बिहार सरकार की सेवा करना चाहते हैं और अपने गांव का पंचायत की सेवा करना चाहते हैं। क्या लगता है सर, आपने देश का सेवा किया है? जैसा मैं फौज में भी रहा हूँ, 24 साल नौकरी करके आया, प्रत्याशी अभी ना है, प्रत्याशी में ही हूँ, सेम कार्रवाई वहीं पर यही होगा। अच्छा। एक पैसा का ना चोरी ना चमारी ना किसी, ना विकास का सिवा और कोई काम ही नहीं होगा। हमारा नाम बजरंग बली सिंह, सिधवल पंचायत, टिकरी टोला, सहदुलेप से, वार्ड नंबर 12। धन्यवाद। आपने देखा बात की ग्राम पंचायत। मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट के शेयर करें और ऐसे ही लगातार वीडियो को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एक और प्रत्याशी जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ध्यान सिंह। आपकी पत्नी है? जी। आप प्रत्याशी हैं पंच पद के लिए? हाँ। क्या लगता है चुनाव लड़ने आप लोग पंच में आ रहे हैं? जी। कैसे काम करेंगे पंच? हम काम पंच को काम होता है सरपंच के साथ मिलकर काम करना। जी। तो सही महीने में काम करेंगे? तो सही महीने में करेंगे। जो हमारे गाँव में लफड़ा लुपड़ी कोई भी बात फसाद होगा उसको जाकर हम जांच पड़ताल करेंगे, दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे आ उसको हम सलटाएंगे। ठीक है, अगर दोनों पार्टी नहीं मानता है तो बोलेंगे भैया अब हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम आगे जाके पछताओ न्यायालय में। आप इस उम्मीद लग रहा है जीतने का? एकदम 100%। जनता हमसे प्यार कर रही है, जनता हमको चाह रही है, जनता बोल रही है कि आप उठिए, हम उठ गए। जीत रही है? जीत रहे।